भी बना, कैसे बना? मतलब आपने बोला ना शेप अच्छा नहीं बना, शेप से कोई पेपर से सच में हम ऐसे खेलते थे गिन्नी, इच्ची मिच्ची लौंगा लीची शोर। गिन्नी तो होटल खोलना चाहिए। गाइस हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और घर में अपने घर में खाना अच्छा नहीं बनता और घर में खाना खाने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स अभी ये तैयारी हो रही है, अलमारियों खुली है, ज्यादा मत दिखा सेटिंग खराब है अंदर। और यहाँ पे गिन्नी असलियत में नहीं लगा हुआ है, उसमें दिख रहा है ज्यादा। तो क्यों तू क्या फरियाद क्यों बोल रही? मेरे मुंह में शॉट दिया तेने, बस उसको दिखा रही हूँ बहुत जोर का। अलमारी बंद कर, नहीं तो सबको पता लग जाएगा हमारी सेटिंग खराब है। आजकल टाइम नहीं लग रहा सेटिंग करने का। कब से ऑन करके रखा ये दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई है। तो अंशु, गिन्नी और मैं, हम तीन ही जा रहे हैं, गिन्नी के पापा ने, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने इनवाइट किया आज हमें डिनर पे। तो डिनर पे क्या बनाया उसने वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो मिलाएंगे, कहाँ जा रहे हैं अभी नहीं बताएंगे, पहले बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। अभी बताएंगे नहीं, लेकिन बाद में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। बता देते किरण दीदी के घर जा रहे तेरे मुंह में टिकती नहीं है वही बात है ना। क्या हो गया? किरण दीदी के घर जा रहे, बाद में पता तो लग नहीं है, अभी बता रहे वो मोमो खाने जा रहे भाई सब कुछ बता दिया इसने अभी से। मैंने सोचा सरप्राइज रखूंगी, बाद में बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन इसमें क्या सरप्राइज है, खाना तो हमने सरप्राइज और इसकी कंगी नहीं हो रही है अभी तक, इन लंबे लंबे बालों में अभी तक कंगी नहीं हो रही है। और अंशु बोलो बुला रही कि चलो जल्दी से चलो, तो चलते हैं ठीक है, बाद में मिलाते हैं आप लोगों को कि क्या हो रहा है। अभी यहाँ से स्पीच ना ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि जल्दी बहुत है। मम्मी को बोलने ही नहीं आती। अच्छा मेरी चाबी है कहाँ पे भाई? चाबी रखी थी मैंने यहाँ पे, ए जो है कहाँ? ठीक है गाड़ी की चाबी, क्योंकि घर सांगला वैली की मार्केट में है तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो ठीक है ले रख दे इसको, रात को शीशे देखते हैं भाई तुम लोग। आप फोन से नहीं देखते ठीक है, यहाँ रात हुई है और आप लोग शीशे देख रहे हैं। यहाँ जिम्मू के साथ शेयर, ये रात का ब्लॉग। जिम्मू चल भाई तेने भी जाना। जिम्मू देख, जिम्मू भी चल पड़ा। जिम्मू की दीदियाँ जा रही है ना, जिम्मू भी चल पड़ा पीछे पीछे दीदियों को छोड़ने के लिए, है ना जिम्मू? चल भाई चल, आजा आजा पुत्र आजा। जिम्मू तेरे को भी बहुत पसंद करते सब लोग, है ना, कि तू वीडियो में नहीं आता ना, मॉर्निंग वॉक आता है। तो ये देखिए जी फाइनली घर, यहाँ पे अंधेरा छाया चारों तरफ और चलते हैं जी आगे। और बच्चों के पापा भी दुकान से ही नहीं आए, तो ये देखिए है, ये देखिए। तो मेरे हस्बैंड अभी दुकान से नहीं आए हैं, ठंड लग रही है? ठंड तो नहीं है भाई। तो फ्रेंड्स बारिश हुई है अभी थोड़ी थोड़ी, देखिए गाड़ी पूरी गिल्ली है, ये देखिए ये गिल्ली है गाड़ी और बारिश हुई है। तो इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, कम कम हुई है, सांगला वैली में ना कम कम ही बारिश होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ये देखिए जी इशनी, और रोड से गाड़ियाँ जा रही है, अभी चली हुई है गाड़ियाँ। तो मेरी दुकान वहाँ से आगे सामने दिखेगी आप लोगों को, ये दिखिए थोड़ी थोड़ी दिख रही है जहाँ गाड़ी गई, बंद है अभी दुकान क्योंकि मैं अभी आई हूँ और ये 9 बजे का टाइम है जब मैं दुकान क्लोज करके आई हूँ। तो चलिए जी बने रहिए, और यहाँ मैड में लग गई है कुछ ना कुछ करने अपना काम, ये देखिए। तो मैं करती हूँ ड्राइव, और मेरे को ड्राइवर बना के रखा है, दोनों पीछे मजे कर रही है, देख इनके मजे, देख मजे इनके। तो जी बैठ गए हैं गाड़ी में, और आज का जो डिनर होगा वो होगा सांगला वैली की मार्केट में स्पेशल डिनर क्यों गिन्नी? तो मैं यहाँ पे लाइटमैन हूँ ये बनी है लाइटमैन मेरी। तो ब्लॉगिंग करते हुए थोड़ा अंधेरा हो जाता है इसलिए लाइट करनी बहुत जरूरी है। तो फाइनली चलते हैं अपने सफर की ओर। गाड़ी में बैठ गए, मम्मी लगा रही सीट बेल्ट वीडियो में दिखाने के लिए, ऐसे मम्मी ने अभी तक लगाई नहीं थी भाई जो बेल्ट लगाती हुई ना गिन्नी पता नहीं क्या क्या पक देती है भाई जो सच्चे वो सच्चे है ना, अभी वीडियो पे मैं आने के बाद ही मम्मी ने ये लगाया बेल्ट। अभी जय बैरिंग नाग जी बोल के कर दो सफर तय, जय बैरिंग नाग जी। और ये है ना रात की ड्राइव हो रही है आज, पता है 9:30 बजे के बाद की, समझ लो 9 बज गए थे हमारे को वहाँ से, घर से निकलते नहीं, यहाँ पे थोड़ा शीशा सही है क्योंकि बारिश के कारण मॉइस्चर जम जाता है शीशे में, अंदर की तरफ से भाप जमना शुरू हो जाता है तो शीशे खोलने पड़ते हैं। यहाँ पीछे दीदी हाँ
हनुमान मंदिर और सांगला वैली की मार्केट आधी बंद है और आधी खुली। पापा पापा की मार्केट खुली है, सिर्फ पापा की दुकान खुली है ना, ऐसा लग रहा है। हाँ गाइस, सिर्फ पापा की दुकान खुली है और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो ये देखिए सारी दुकानें बंद हो गई है, ये देखिए सिर्फ मेरे हस्बैंड की दुकान खुली है। यहाँ पे जरा अपने हस्बैंड से आंखों आंखों में बात करो, आंखों में बात करो। हॉर्न बजाती हूँ, ठीक है? देखा 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 पापा ने। बाय पापा जी। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग। बेचारे पापा सोच रहे कहाँ जा रहे हो, बताया था ना आपको। हाँ सर, पापा ने हाँ किया। वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है ना, ब्लू 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 आई सिप नोटा। ओ मैं सुट्टी बट्टू को मेरे चो 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 चो। अरे यार, वे कुत्ते आ गए, वे ये है बाजार के आवारा कुत्ते भाई। एक अंकल आवारा बोल रहे पीछे से, सच में आवारा है। जो बोल के सारे कुत्ते आ रहे हैं वहां से। ये हमारा पहले का स्कूल था गाइस, अभी एक होटल बन गया है। द्वार और यहाँ के दिल्ली की मार्केट का ब्रिज आ रहा है, अब थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही है थोड़ी देर के लिए। फाइनली सांगला वैली की मार्केट का ब्रिज। हवा चल रही है यहाँ पे ना, ठंडी ठंडी है ना, आके देख रोड कैसा। तो हम लोग पहुंच गए गाइस अब अपने डेस्टिनेशन पे। बड़ा खतरनाक रोड है, फोन ही ना छूट। दिखाया क्यों नहीं दिखाया, खतरनाक रोड था सच में, क्यों नहीं दिखाया। दिखाया पहुंच गए गाइस हम लोग, वहाँ पे जाना है हमको। चले चले जी, चले चलो चलो गाइस। शीशा बंद नहीं किया लेकिन मैंने, चलते हैं आपको। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे हाथ में मेरा फोन है तब थोड़ा ठीक से नहीं हो रहा। चलो 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 कहीं सब लोग चल रहे हैं, अब पहुँच रहा है, पहुँच ही गए मतलब। क्या करते यार, क्या मुंह बनाते। नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी। वेलकम वेलकम, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। ठीक है किरण, बड़े जल्दी आ गए आज तो ना। किरण की हड्डियां तोड़नी पड़ेगी, पता है क्यों? मॉर्निंग वॉक आना छोड़ दिया भाई इन्होंने। मैंने सोचा ना आज आप लोगों को मिलाती भी हूँ, किरण का घर भी दिखाती हूँ और साथ में ये भी बोलती हूँ कि आती क्यों नहीं है मॉर्निंग वॉक भाई। प्रियाश कहाँ है? प्रियाश आए अंदर, चलो अंदर। पसीने चल रहे हैं, अरे गर्मी है, पता है ये लोग। अरे थैंक यू, कुछ नहीं है, ऐसे ही थोड़ा यार, ऐसे टूट गया पता है ना। आज आज चलो तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग किरण के घर में। ब्यूटीफुल घर ये देखिए। अरे भाई 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 आराम से भाई आराम से भाई भाई आराम से। आज और रियांश, हाय रियांश, हाय रियांश, हाय रियांश, यहाँ पे टीवी देखते हुए। हेलो हेलो, बोलो किशन भाई। रियांश बहुत ही शर्मिला है, वैसे शर्मिला नहीं फ्रैंक है ये, लेकिन अभी थोड़ा शर्म आ रहा है, शर्म आ रहा है ना। ठीक है रियांश, क्या कर रहे हो? ठीक हो गए, बीमार हो गए थे आप है ना, हो गए थे ना बीमार। हम मैं तो वैसे ही आ रही हूँ जैसे दुकान क्लोज की, वैसे ही आ गई। किरण को नहीं मिलाया है ना, किरण को नहीं पर गिन्नी को नहीं मिलाया था। हाँ सच में आई हूँ मैं, हाँ तब आपकी तबीयत थोड़ी खराब थी शायद, आपका सर्जरी नहीं हुआ था है ना उस, हाँ उस दौरान आई थी मैं। हाँ मॉर्निंग वॉक नहीं आ रही है ये तो मैंने बता रहा था घर से, तो नहीं बताया लेकिन अभी जरूर बता रही हूँ भाई। इनका ना रूट ही चेंज हो गया, ये यहाँ पे सांगला वैली की मार्केट में जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं पे उसी के ग्राउंड में इनकी मॉर्निंग वॉक होती है ना। और ठीक है आप
अच्छा यशवंत नहीं आए? नहीं आए अभी, आ रहे होंगे। तो किरण के हस्बैंड यशवंत तो वो भी आते होंगे, और मेरे हस्बैंड तो अभी दुकान में आप लोगों को दिखाए दिखा के आए, और मैं अभी तो हड़बड़ाहट में जैसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया है, मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन अब मैं तसल्ली बख्श आप लोगों को दिखा देती हूँ किरण का घर भी थोड़ा सा। अपना तो ढंग से नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन औरों का दिखा देती हूँ पहले मैं। तो चलिए, घर तो नहीं, किरण यहाँ पे रेंट पे रहती है। किरण का घर वैसे दाखों में है, हम लोग किरण के भाई की शादी में भी गए थे, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। किरण का घर दाखों में, किरण के हस्बैंड यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो किरण अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे ये रेंट वाले घर पे रहती है। तो रेंट वाला घर भी किरण का बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है किरण का फर्स्ट एंट्रेंस रूम। तो बहुत ही सुंदर, यहाँ पे भी मैट वगैरह गद्दे वगैरह लगे हुए, और गिन्नी भी आ रही है यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए शायद। किरण को भी, सॉरी गिन्नी को पसंद आया, गिन्नी जहाँ मर्जी वहाँ पे मजे कर रही है ना। और यहाँ पे किरण के फोटो, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अंदर जाके दिखाते हैं सेकंड रूम, और यहाँ पे सारे फोटो वगैरह, भाई बहुत खतरनाक अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और ये है सेकंड रूम, ये है जी सेकंड रूम, जहाँ पे अंशु और रियांश बैठे हैं अपने काम में, कार्टून। तो बच्चों का भाई सबसे पहला काम है कार्टून। और यहाँ पे किरण ने पूजा भी कर ली है किरण, है ना। वाओ, दीपक वगैरह जला के किरण की यहाँ पे भगवान जी का स्थान भी देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कृष्ण भगवान जी की फोटो, और बैरी नाग जी की, और साथ में कृष्ण राधा की तस्वीर लगी है, जय हो भगवान जी। तो इस तरह से किरण की ये पूरी डेकोरेशन किया हुआ रूम है। तो जी फाइनली पहुंच गए किरण के किचन में भी, और ये है किरण का किचन। सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर है भाई, किरण क्या क्या बन रहा है आज पता नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले तो नीचे दिखा देती हूँ, इतना तामझाम जोड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बन रही है जी मोमो की तैयारी। तो बाजार के मोमो तो भाई आप लोगों को पता ही, भी इतने अच्छे नहीं होते जितने घर के मोमो होते हैं। तो ये देखिए ये बन रहे हैं मोमो, वाओ बहुत ही यम्मी टेस्टी, देख के ऐसा लग रहा है जैसे कब्जे से खाएं। वैसे मैं बाहर के बहुत कम खाती हूँ ना, चलो आज किरण ने अपने घर के हाथ से, क्योंकि अंशु को बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो स्पेशली अंशु के लिए इनवाइट किया गया सबसे ज्यादा, तो क्योंकि अंशु मोमो बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये क्या है किरण, चटनी? ये मैंने चटनी बनाया। अच्छा, ये कौन सी चटनी है? ड्राई फ्रूट्स लगाया मैंने, उसके पुदीना। अच्छा अच्छा, पुदीने की चटनी। और ये मोमो अभी रेडी हो गए की होने? अच्छा लगाना है अभी, ठीक है। और साथ में बन रहा है यहाँ पे सूप मोमो के साथ, ये देखिए सूप, वाओ बहुत ही अच्छा है। और ये पलम कहाँ से लाई किरण? अच्छा, दाखों के पलम है ना। तो किरण के घर में मायका बोल रही हूँ, मायका भी तो उस तरफ ही है, नहीं मायका और ससुराल एक तरफ है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो हम लोग पलम वगैरह खा लेते हैं जब तक, यहाँ पे किरण ये बना रही है, अभी बन रहा है वैसे, गर्मा गर्म बन रहा है। देखिए जी ये हैं सीजन के पहले पलम जो किरण के घर से आए हुए, हमारी सांगला वैली में अभी तैयार नहीं हुए, लेकिन ये दाखों में तैयार हो चुके हैं। दाखों से ही लाया ना किरण? हाँ। कैसा है, मीठा है अंशु? खाओ रियांश, नहीं खाना? क्यों, बीमार हो? टेस्टी है, खट्टा मीठा है, बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो बाकी तो काम चलते रहते हैं, पर कुछ टाइम में अपनी फ्रेंड्स को भी देना चाहिए। हम लोग क्यों नहीं, हाँ ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम अपनी फ्रेंड्स के लिए भी निकालना पड़ता है। वैसे तो दुकान बंद करने के बाद मेरे को तो ऐसा लगता है कब जैसे मैं सो जाऊं, बस सीधा जाके खाना भी नहीं खाऊं, हाँ थकावट हो जाती है। तो क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है मॉर्निंग वॉक के लिए, जो हमारा सबसे रोज की रूटीन है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो जी फाइनली बन चुकी है मोमो, और किरण लगी अब परोसने की तैयारी करने। तो दिखाते हैं आप लोगों को, और बच्चों ने किया धमाल बाहर, देखिए चुकी है मोमो, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं प्लेटों में लग चुकी है, और देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी टेस्टी होगी। तो खा के आप लोगों को बताते हैं। क्या बोल रही है गिन्नी? गिन्नी तो होटल खोलना चाहिए। रियांश खाओ, कैसे बताओ, क्या लेना? सॉस? अच्छा सॉस लेना है भाई, चटनी भी बनाई है इसमें, बहुत ही ऑर्गेनिक चटनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑर्गेनिक चटनी है, और मैं तो सॉस नहीं खाती हूँ वैसे, चटनी खाऊंगी। 2012 का जो बाढ़ आया था ना, वहाँ पर ये पूरा ही
तो अभी सूप भी आ रहा है साथ में। किरण आप भी खाओ ना। अभी खाऊंगी मैं। नहीं मैं खाऊंगी क्या, मेरे पता है आपको डाइटिंग पे होंगे। अच्छा खुद डाइटिंग पे है, हमारे को बना रहे। नहीं नहीं रात को मेरा डिनर भी है, डिनर वो है, डिनर मना है, ब्रेकफास्ट मना है। अच्छा किरण ने भाई फुल डाइटिंग की हुई है। लगाओ यार इसको और थोड़ा सा लगाओ है ना। तो आपका मन तो कर रहा होगा। नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। क्या? मैं बहुत खुश हूँ आपने मेरे लिए ये बना। सच में बहुत, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। होटल खोलना चाहिए होटल। सच में इतनी टेस्टी बनी है किरण की। सच में आपको होटल खोलना चाहिए। वैसे ऊपर से आटे की बनाई है, सोचो है ना। हाँ आज मैंने क्या गड़बड़ कर दिया कि मैं ना उसका बनाया, क्या बोलते हैं ये, आशीर्वाद आटे का बनाना चाहिए था मेरे को, और मैंने बना लिया वो सुपर फाइन का। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ना उसके ना ऐसे वो नहीं बन रहे मेरे से ना, शेप नहीं। अच्छा शेप कोई बात नहीं, बस हमें ये खाने से मतलब है। खाने से मतलब है और स्वाद से मतलब है। क्या बोला क्या बोला? पता नहीं मेरे इसमें नमक है, चटनी में नमक। हाँ है चटनी में नमक। फिर आप नहीं खा रहे हो है ना किरण? ठीक है तो फ्रेंड्स ये सूप और हम लोग खा लेते हैं। अब ज्यादा बात नहीं हो पा रही है। क्यों? अच्छा तो फ्रेंड्स सच में सही बात है, मैं वैसे कम ही खाती हूँ पर खाऊंगी कम। अंशु ने पहले मेरे को वार्निंग दे दी है कि कम ही खाना। ऐसे ही जैसे आप डाइटिंग पे, वैसे मैं भी समझ लो डाइटिंग भी। तो जी फाइनली खा पी के हम लोग हो गए टन। मैं ही बोल देती हूँ टन। और सच में बहुत मजा आया। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे गप्पे शप्पे लगाते हैं। अरे अभी खाने नहीं, अभी हमने नहीं खाना, हमारी चीजें हमारे को ही नहीं। नहीं रहने दो किरण, रहने दो कोई बात नहीं। रियांश के लिए, सिर्फ रियांश के लिए ना, बाद में खाते रहे, स्कूल ले जाते रहे एक एक पीस रोज। लो जी स्टैचू कर दिया। ये क्या है? अच्छा चिपकाने वाला। है ना कर दो। वही कैसे चिपकता है ना? आपके माथे के ऊपर हो गया। वही बाल भी मत चिपका दे। हाँ मेरे बाल। तो फ्रेंड्स अब मैं गिन्नी की मुंह पे डालूंगी। सीधा मेरे माथे में। नहीं नहीं है मेरे पास भी एक है, ये देखो ले ये ले। ए हो रही है भाई लड़ाई, ए हो रही है लड़ाई भाई, ये देखो। बच्चों के खेल है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं क्या क्या खेलते हैं हमारे जमाने में। हम तो इच्ची मिच्ची लौंगा लिची सोर मसोरे पकिए डोरे हरा पुदीना है चोराई। सच में हम ऐसे खेलते थे गिन्नी, इच्ची मिच्ची लौंगा लिची सोर मसोरे। हाँ है ना। हाँ हाँ खेलते थे ना। हाथ मिलाओ ना, हाथ मिलाओ। नहीं यार और बहुत अच्छा लगा।
चाहे जैसे भी बना कैसे बना, मतलब आपने बोला ना शेप अच्छा नहीं बना, शेप से कुछ लेना देना नहीं, खाने से मतलब है, टेस्ट से मतलब है, सही बात है। चलो ठीक है दोबारा आना, ठीक है दोबारा बनाना, ठीक है दोबारा आना, जब बोलोगे ना तभी बनाऊंगा, ठीक है पक्का प्रॉमिस, बाय बाय बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग कर चुके हैं डिनर किरण के पास और अब जा रहे हैं, किरण ने हमारे लिए भी पैकिंग कर दी, अपने मायके से लाए हुए पलंग, ये देखिए तो बहुत टेस्टी है पलंग और हमारे यहाँ के ऑर्गेनिक फ्रूट, आप लोगों को पता है। तो किरण थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और आपका ये डिनर ना सालों साल याद रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, क्योंकि बहुत टेस्टी बनाया था आपने और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश है। अभी देखिए इनका मन ही नहीं है जाने का, लेकिन जा रहे पड़े हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, अब 11 बज रहे, पूरे 11 बज गए, हम लोग 9:30 बजे यहाँ पे आए थे और 11 बजे का टाइम हो रहा है। इसी के साथ ही मेरा आज का ब्लॉग भी मैं यही स्टॉप करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, ठीक है फिर ठीक है, बाय बाय।